दोस्तों आपका YouTube चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर। तो वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ बताई जाएगी और वीडियो पूरी देखें, जो भी बताया जाएगा वो सब अच्छा ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले मिर्च के बारे में बताते हैं, मिर्च के कुछ फ़ायदे और कुछ हानिकारक होती है। जुखाम, खांसी, सर्दी, इसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जिन भाई लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना इसको खाए, उनके लिए ये बहुत हानिकारक हो सकती है। और हरी मिर्च आँखों के लिए अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अरबी के पत्तों के पकौड़े, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और देखिए आप कैसे फ्राई किए हुए हैं और इसको बड़े ही शौक से खाए जाते हैं। ये पहाड़ की बहुत ही फेवरेट डिश है। तो आप भी बनाइए, ये बहुत आसान होते हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए अरबी के पत्ते, इससे बनाए गए हैं वो अरबी के पकौड़े, अरबी की ऑर्गेनिक खेती। तो देखिए आप सेब के बागीचे में कैसे बहुत अच्छी फसल है, जो कि एक ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है। और देखिए आप सेब के बागीचे में, और सेब के बागीचे में आप लहसुन को भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे बागवान भाइयों के पेड़ों में जैसे कि कीड़ा लग जाता है, तो जब आप लहसुन लगाएंगे तो इसमें कीड़ा नहीं लगेगा आपके सेब में। और आपको दिखाते हैं रेडिश, ये आपको जो ये मूली दिख रही है, इसमें पीलिया के, जो पीलिया का रोग होता है उसमें मूली और उसके पत्ते का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको, ये एक घास है जो बागीचे में है, और ये बागीचे में नाइट्रोजन बनाए रखती है, मॉइस्चर बनाए रखती है, ये घास होना ज़रूरी है। तो बागीचे में हमने कुछ धनिया भी बीजा हुआ है, जिसको इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं। ये दाल, सब्जी, मीट और चिकन में डाला जाता है। तो देखिए आप छोटे प्लांट में ऑर्गेनिक खाद डाली जा रही है सर्दियों में, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है छोटे प्लांट के लिए ऑर्गेनिक खाद। तो देखिए आप अपने बागीचे में ग्रीनरी बनाए रखें और इससे मॉइस्चर बना रहेगा, ये घास बहुत ही लाभदायक होती है। ये देखिए आप इस तरह की पत्तियाँ होती है, ये पूरे बागीचे में फैली हुई है, जिससे कि मॉइस्चर बना हुआ रहता है। आपको और देखिए आप कैसी ग्रीनरी है, आपको मल्चिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर ये इस तरह की घास उग जाए बागीचे में
तो उसको उखाड़े नहीं, रहने दीजिए। देखिए पूरे सेब के बागीचे में, अब सर्दी का मौसम आ चुका है, अभी भी हरियाली है बागीचे में। ये मॉइस्चर बनाए रखती है। ये देखिए आप कैसे हैं हरे भरे। तो आजकल ऑर्गेनिक खाद डाली जा रही है प्लांट में, छोटे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, तो आप भी डालना ना भूले सर्दियों में। तो ये देखिए आप अरबी बागीचे में लगाई हुई है, थोड़ी बहुत अपने सब्जी के लिए, जो कि एक ऑर्गेनिक है अरबी। ये भी औषधियों से भरपूर होती है। पीलिया के जिन भाइयों को पीलिया का रोग है, तो इसकी जो अरबी होती है उसके अरबी के पकौड़े बनाएं या इसकी सब्जी बनाएं, तो इससे बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये भी। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। औषधियों से भरपूर ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इससे एक खून की तरह निकलता है, ये एक बेल है। अगर घाव किसी जिन भाइयों को घाव या कट जाए, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है उस घाव में लगाए। देखिए आप कैसे खून की तरह, और इसकी पत्तियां भी लगा सकते हैं निचोड़ करके इसका रस। और ये जंगल में बहुत सारी होती है, ये देखिए आप। हिमालय में पाए जाने वाली ये बेल, खून की तरह, बेल से खून की तरह निकल रहा है, देख सकते हैं आप। इसका जो ये बीज है, इसमें खून की तरह निकलता है ये। जो इसकी पत्तियां है उसको घाव में लगा सकते हैं। तो